खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां भारतीय रेलवे ने आज हर घर तिरंगा की सफलता के लिए एक विशाल जागरूकता रैली निकाली। आपको बताते चले कि पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल ने आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली। इसी क्रम में आज डेहरी ऑन सोन स्टेशन पर IRES सुमन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों रेल कर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी जागरूकता रैली निकाल रेल कर्मियों एवं उनके आश्रितों से अपने अपने कार्यालय तथा घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान रखकर ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हुआ जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्राधिकारी के डेहरी के 411 ससराम में 100 सोन नगर में 175 सहित कुल 710 रेल कॉलोनियों एवं विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत तकरीबन 3000 रेल कर्मी तथा डीडीओ रेल मंडल के 14,441 कर्मचारी तथा 59 अधिकारी अपने अपने घरों एवं कार्यालयों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। वहीं भारतीय रेल सांकेतिक सेवा के अधिकारी ATSTE डेहरी अविनाश यादव ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को और मजबूती देगा। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना और जनभागीदारी की भावना के साथ आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाना है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में हमें नई ऊर्जा मिलती है। हर घर तिरंगा योजना में रेल कर्मियों, उनके परिजनों एवं आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। स्टेशनों पर उद्घोषणा के माध्यम से हर घर तिरंगा योजना से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इस अवसर पर डिजिटल स्क्रीन, पोस्टर आदि के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस जागरूकता रैली में ADMO डॉ. हरदीप कुमार सिंह, ACRKU उपाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद, यातायात निरीक्षक अरविंद कुमार, स्टेशन प्रबंधक मुना रजक, RPF निरीक्षक राम विलास राम, GRP निरीक्षक गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। रोहतास से कैमरा पर्सन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी रेल कर्मी हैं वो लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक अभियान है, छोटा सा अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर राष्ट्रीय तिरंगा के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर पाएँ कि वो अपने हर घर में तिरंगा लगाएं और तिरंगा हमारे राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम लोग डेहरी में लगभग 400 कॉलोनी और सासाराम में 100 कॉलोनी, सोननगर में लगभग 175 कॉलोनी का निवास होता है। कुल मिलाकर हमारे जिरिडिक्शन में 710 कॉलोनियाँ, 710 क्वार्टर्स हैं और मैं चाहता हूं कि उसके माध्यम से लगभग जो 3000 रेल कर्मी हैं जो यहां हर दिन 24/7 आवर्स काम करते हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपने सम्मान को 75वें वर्षगांठ के अवसर पर दर्शाएंगे और वो अपने हर घर में तिरंगा को लगाएंगे और इसके माध्यम से राष्ट्र को अखंडता, प्रेम और सौहार्द की भावना को आगे लेकर जाएंगे और उसी के तहत हम लोग आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को सफल बनाना चाहेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।